ये ब्लैक जेल जब आपके बालों पर लगेगा तो आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। बाल सिल्की स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे और मजबूत भी होंगे। और जब ये जेल आपके बालों की जड़ों में लगेगा तो जड़ें मजबूत होंगी, हेयर फॉल बंद होगा और बालों का गिरना जितना भी शदीद क्यों ना हो इंस्टेंट बंद हो जाएगा और नए बाल आपके जड़ों से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी कलौंजी, यानी कि जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं कलौंजी, ब्लैक सीड भी इन्हें कहते हैं। ये हमें कम से कम चाहिए 3 चम्मच। 3 चम्मच हमने आधे कप पानी में रात भर भिगो के रख देने हैं, ठीक हो गया। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आपने ये फूले हुए जो बीज हैं इनका पानी का कलर चेंज हो चुका होगा, ब्लैक हो गया होगा। अब आपने इनको ग्राइंड करने लेना है, ब्लेंड कर लेना है। आप इसे बारीक पीस भी सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक हो गया। फिर आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। उसी पानी में मैंने इसे ग्राइंड किया है जिस पानी में हमने रात भर सोक किए थे। अब हमने इस ग्राइंड हुई भी कलौंजी को स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए, अब हमें चाहिए होगा हमारा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑनियन, यानी कि प्याज, जो आपके बालों की जड़ों के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट वाला प्याज, सफेद प्याज, ठीक है। इसे अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए और इसे इस तरह से चॉप कर लीजिए। चॉप करने के बाद बारीक कपड़े से या स्ट्रेनर से इन प्याज को, चॉप किए हुए प्याज को स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा प्याज का जेल, ठीक है, ऑनियन जेल। समटाइम्स ये प्याज का रस भी होता है, ये जेल फॉर्म में भी बन जाता है। ये प्याज का रस हम डाल देंगे कलौंजी के साथ। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह आपने कोई और तेल यूज नहीं करना। अब इसमें जाएगा एलोवेरा जेल। ये फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है, ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लिंक मैं आपसे शेयर कर लूंगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे पूरे पाकिस्तान में किसी का जेल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो सारी चीजों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि एलोवेरा जेल और हमने जो प्याज का जेल ऐड किया है उसको अच्छी तरह से जब तक मिक्स नहीं करेंगे ये थिक नहीं बनेगा। ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये बहुत थिक हो गया है और बहुत ही जबरदस्त इसका टेक्सचर बन गया है। अब आपने इसे लगाना कैसे, और हाँ ये बता दूं कि ये आपके बच्चों के लिए भी सेफ है। आप अपने बच्चों के बालों में लगाएंगे, जिनके बाल कर्ली हैं, जिनके बाल बहुत गिरते हैं, जिन बच्चों के लाइट हैं, बहुत हल्के हैं, और आप 70+ भी अगर है ना, तब भी आप ये जेल लगाएंगे। इवन ये हर फर्द के लिए बहुत फायदेमंद है, बालों को जड़ों से मजबूत करता है। इस लाइक आपके बाल एल्फी से चिपक गए हों, इतने मजबूत होने वाले हैं। और लगाना कैसे है, आपने जड़ों से बिल्कुल एंड तक पूरे बालों को इस जेल से कवर कर लेना है। कम से कम 1 घंटा बालों में लगा रहने देना है, फिर आपने वॉश कर लेना है। कोई जरूरत नहीं है कि आपने जी वॉश करने के बाद इसे लगाना है, आप अपने ऑयल वाले बालों में भी इसे लगा सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके बाल, जैसे नहाना हो आपने, उससे पहले जब आप कोई भी ऑयलिंग करते हैं उस टाइम पे भी आप ये जेल लगा सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप हेड वॉश कर लीजिए। केमिकल वाले शैम्पू प्लीज इस्तेमाल मत किया करें, अपना होम मेड शैम्पू बनाएं, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने भी इस जेल को यूज करना है और इसके रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करने हैं। तो जरूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।